Good morning, dear student. I am Professor Harsh Patidar, Mechanical Department, Sister College, Bhopal. We have discussed about forced vibration in previous classes. Now, we are moving towards unbalancing. हमने देखा था तीन टाइप के फोर्सेस, दो टाइप के फोर्सेस थे, एक F नॉट साइन ओमेगा टी जिसको ड्राइव कर मैं क्या लेकर आ गया था, मैं एम्पलीट्यूड रेशियो का फॉर्मूला लेकर आ गया था और उसके वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर दैट इज फ्रीक्वेंसी रेशियो देख लिया था, रेजोनेंस भी समझ लिया था, कब एम्पलीट्यूड कम होंगे, स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड और डायनामिक एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक फोर्स के कारण अभी तक आप क्या कर रहे थे, सिंपल हार्मोनिक उसमें फ्री वाइब्रेशन में सिर्फ एक बार फोर्स दे रहे थे, हट गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स के साथ मोशन का भी एनालिसिस करो, हर बार हर टाइम वो एफ नॉट साइन ओमेगा टी का फोर्स वहां पर लग रहा है विद द फ्रीक्वेंसी। तो इन वाइब्रेशन को स्टडी स्टेट वाइब्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है, कभी कभी डायनामिक रेस्पॉन्सेस भी बोल देते हैं। These are the same. ये हमने देखा था, वेरिएशन देखा विद रिस्पेक्ट टू आर, रेजोनेंस को समझा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन देखी व्हेन आर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, इतना सब हमने अभी तक देखा था। तो अब मैं मूव ऑन करता हूं मेरा सेकंड टाइप का फोर्स का, जिसको मैं अनबैलेंस फोर्स बोल रहा हूं। अनबैलेंस इज ड्यू टू रोटरी एंड रेसिप्रोकेटरी। इन आरजीपीवी पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी रोटरी अनबैलेंसिंग का डेरिवेशन आ जाता है, तो अपन उसको देखेंगे। अब आपने देखा था कि रोटरी अनबैलेंसिंग क्यों होती है, कि जब कोई शाफ्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज योर शाफ्ट, जब कोई शाफ्ट उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट ये रोटेट कर रही, इसका जो मास सेंटर है वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड नहीं करेगा, तभी अनबैलेंस फोर्स जनरेट होगा। कैसे अभी देखेंगे, और इसी को अनबैलेंसिंग बोलते हैं क्योंकि ड्यू टू मैन्युफैक्चरर एरर कभी भी मास सेंटर उसकी सेंटर ऑफ एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता, कुछ ना कुछ मुझे डिस्टेंस मिलती है मास सेंटर और उसके सेंटर लाइन से, जिसको सेंट्रिसिटी बोल रहा, इतना मैंने पहले भी देखा था, अब हम इसको ड्राइव करके देखते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक सिस्टम मैंने बनाया है, दैट इज अ सिस्टम जो कि एक रोटरी सिस्टम है, या कोई सी मशीन ले लो आप, टर्बाइन ले लो, कंप्रेसर ले लो, जहां पर रोटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। टोटल मास ऑफ द सिस्टम और मशीन दैट इज कैपिटल एम, एंड मास ऑफ द रोटर और रोटेटिंग एलिमेंट बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब मेरे को रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट का मास देखना होगा, तो दैट कैपिटल एम इज द मास ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग द मास ऑफ रोटर। ठीक है, ये मास सारा सिस्टम का मास है जिसमें रोटर और अदर थिंग के मासेस भी, बट ये स्मॉल एम इज ओनली द मास ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट। ठीक है, यहां पर दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज डैम्पर। हाँ, अब मैं स्प्रिंग को ड्यू टू बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता, या सिंगल स्प्रिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि देखिए दिस इज द मास ऑफ द सिस्टम एंड दैट टू स्प्रिंग्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद, ठीक, हियर इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद मास, सो स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन सीरीज, तो के बाय टू इज इक्विवेलेंट टू के, सो यहां पर इक्विवेलेंट स्टिफनेस जो आएगी दैट इज के बाय टू प्लस के बाय टू दैट इज इक्वल्स टू के। तो इसलिए इसको लिया गया है कि आप कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखें तो घबराए नहीं, ये के ही है, एक के इक्विवेलेंट स्टिफनेस को दो हिस्सों में तोड़ा, दैट इज के बाय टू और उनको पैरेलल में अटैच कर दिया विद दैट रोटरी सिस्टम और कैपिटल मास एम, मास इज कैपिटल एम। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन मान रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन, ये सिस्टम के अंदर रोटर रोटेट कर रहा है, पूरी मशीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने क्या मानी, दैट इज वन, और इट इज बाउंड टू ट्रांसलेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द ओनली मोशन ऑफ दैट मशीन, ना ही ये मोशन है ना ही ये मोशन है, कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, सिर्फ इस एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वन मान। अब मैंने इस मास पूरे सिस्टम को x अमाउंट से डिस्प्लेस किया, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट x अमाउंट से डिस्प्लेस किया पूरे सिस्टम,
तो जैसे ही पूरा सिस्टम डिस्प्लेस हुआ, इनर्शिया फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स कम्स इनटू पिक्चर। तो मैं क्या कह रहा हूं दैट एम माइनस एन, अब नाउ कैपिटल एम इंक्लूड्स रोटर मास एंड स्मॉल एन इज द मास ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट। तो अगर मैं पूरे मास में से रोटेटिंग एलिमेंट का मास माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, दैट इज नॉन रोटेटिंग मास। मान लीजिए 20 केजी की मशीन है, 10 केजी का रोटर है और रोटर का मास माइनस किया, बचा कितना 10 केजी। ये 10 केजी रोटेशन में नहीं है और उसी को मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं एक्स, उसी को लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं एक्स। नॉन रोटेटिंग मास का लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेटिंग मास का तो वो रोटेशन में है ना, ठीक है। तो नॉन रोटेटिंग मास को मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स, इनर्शिया फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्सेस एक्टिंग। समझने की बात क्या है, यहां पर देखिए दैट एम माइनस एम इज योर नॉन रोटेटिंग मास, दैट एम माइनस स्मॉल एम इज योर नॉन रोटेटिंग मास एंड दैट एम इज योर रोटेटिंग मास, ठीक है। दो केस हो रहे, आप इनर्शिया फोर्स सिंपल लिख सकते थे एमएक्स डॉट डॉट, बट यहां पर समझने की बात क्या है कि दो मासेस है, फर्स्ट वन इज रोटेटिंग, अनदर इज नॉन रोटेटिंग। नॉन रोटेटिंग टोटल में से रोटेटिंग को माइनस किया, तो दो मोशंस दिख रहे हैं। ये तो रोटेशन में है ही, ठीक है, ये तो रोटेशन में, मशीन तो रोटेशन में है ही, तभी तो अनबैलेंस देखोगे। अब उस रोटेटिंग मशीन को मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहा हूं इसके एक्सिस के अबाउट, जिसको मैं एक्स बोल रहा हूं। Now, इस नॉन रोटेटिंग मास को डिस्प्लेसमेंट कितना दिया मैंने x, बट यहां पर मेरे को देखने की बात है, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा है, इस पूरे बॉक्स में ये रोटेट कर रहा है। अब ये अभी जैसे समझने की बात है, मान लीजिए इस पूरे के पूरे बॉक्स में यहां पर अभी इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक, रोटरी मोशन है। अब मैंने इस पूरे, क्योंकि ये तो अंदर रोटेट कर रहा है और ये बक्से में कैद है, मतलब पूरा बॉक्स है, इसको मैंने एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिया, तो जो पहले यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था अब इट स्विचेस टू हियर। सो एक्स डिस्प्लेसमेंट मैंने किसको दिया, पूरे सिस्टम को एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, उससे रोटेटिंग पे क्या फर्क हो रहा है ये देखिए, यहां पर देखिए ये जो e डिस्टेंस है m था, इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये जो रोटेटिंग मास है उसका भी मुझे देखना पड़ेगा ना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसके दो कंपोनेंट, a दिस इज थीटा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा t, तो ये एंगल ओमेगा t है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एंगल के साथ वाला cos component e cos omega t and this is e sin omega t, but क्योंकि सिर्फ degree of freedom वन है तो ये वाला motion तो constrained हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा सिर्फ e sin omega t। तो जो non rotating mass को मैं capital M minus small m को जब मैंने x amount से displace किया, तो जो rotating mass है वो x plus e sin omega t से डिस्प्लेस होगा, यही समझने की बात है, क्योंकि x तो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गई, साथ ही साथ इसमें e sin omega t का भी एक डिफ्लेक्शन आएगा। सो जो रोटेटिंग मास का, नॉन रोटेटिंग मास का डिस्प्लेसमेंट x है, रोटेटिंग मास का x plus e sin omega t, ठीक है, क्योंकि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्टिकल मोशन की बात कर, ठीक। तो अब इससे रिलेटेड मुझे इनर्शिया फोर्स निकालना है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं डबल टाइम्स, दैट इज डी टू एमएस डबल डॉट निकालना है, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इनटू एक्स, ये कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा डी टू अपॉन में डी टी टू इनटू एक्स, दैट इज एक्स डबल डॉट। यहां पर भी मैंने वही किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो एक्स का डबल डिफरेंशिएशन एक्स डबल डॉट प्लस ई साइन ओमेगा टी का, पहले किया तो ई कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा, फिर से किया तो ई कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस ई ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फिर इस ओमेगा टी का किया तो एक और ओमेगा, तो क्या आ जाएगा ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो नॉन रोटेटिंग मास एम माइनस स्मॉल एम एक्स डबल डॉट, और रोटेटिंग मास इज एक्स डबल डॉट माइनस ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। नाउ मैंने न्यूटन्स मेथड लगाया, तो न्यूटन्स मेथड में मेरे पास अब दो मासेस है, तो इनर्शिया फोर्स भी दो होगा, एक
rotating non rotating ke sath capital M minus small m into h double dot, that is inertia force of non rotating mass, that is the inertia force of rotating mass, that is m into h double dot minus e omega square sin omega t, that is cx dot plus kx equals to zero. Here you don't have any external excitation force still. You don't have any external excitation force, that is equals to zero, क्योंकि सिस्टम को मैं रोटेट कर रहा हूं, सिस्टम रोटेट हो रहा है, तो अनबैलेंस वो सिस्टम खुद से जनरेट करेगा, अभी वही देखना है मुझे, that is equals to zero, कोई F not sin omega t का फोर्स नहीं है वहां पर, सिर्फ यही कंडीशन है, वो रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी e, और सॉरी सेंट्रिसिटी e और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं यहां पर, यहां से मैंने कॉमन निकाला mx डॉट डॉट माइनस mx डॉट डॉट प्लस दिस mx डॉट डॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस cx डॉट प्लस kx, वही लिख दिया मैंने. नाउ दैट mx डॉट डॉट माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो वी हैव mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx एंड दैट माइनस कम्स आउट टू बी हियर, that is m e omega square sin omega t. बहुत बढ़िया बात है, very first class में मैंने आपको बोला था कि when there is a rotating mass तो f naught की value होगी m e omega square, तो वही आ गया आपका m e square and that is equivalent to f naught. जब इस equation को मैंने compare किया अपनी general equation से, that is m x dot dot plus c h dot plus k x equals to f naught sin omega t, तो here f naught is m e omega square in case of rotating. Here, look at there. अब मैंने मुझे पता है कि जब मैंने अपनी वाली इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, that is mx dot dot plus ch dot plus kx equals to f naught sin omega t में स्टडी स्टेट रिस्पांस निकाला, तो सॉल्यूशन विल बी x equals to capital x sin omega t minus phi. Here, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस x में यहां पर x की वैल्यू मैंने वहां पर क्या लिखी थी, that is f naught by k upon में under root 1 minus r square का whole square upon plus 2 zeta r का whole square, but is in this case we don't have that f naught by k. हम कैसे deal कर रहे हैं वो देखिए, मेरे पास मैंने क्या किया, numerator में x static और denominator में x static का difference वो कर दिया, multiply and division, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, देखो x upon में x static is equals to amplitude ratio, मैंने देखा था, तो x अपॉन में x स्टैटिक क्या आ गया, एम्पलीट्यूड रेशियो, खत्म. अब इस x स्टैटिक को क्योंकि मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को ही लेकर चल रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं f नॉट बाय k, तो f नॉट बाय k इट इज एंड दिस sin ओमेगा t माइनस 1. नाउ हियर एम्पलीट्यूड रेशियो, अब मेरे केस में f नॉट क्या है, दैट इज m e ओमेगा स्क्वायर, हियर इट इज m e ओमेगा स्क्वायर अपॉन में k, क्योंकि x स्टैटिक को f नॉट बाय k लिख सकता हूं. अब मैंने यहां पर क्योंकि मेरे पास अभी जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है इट इज नॉट स्मॉल है, वी हैव कैपिटल m, तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया m अपॉन में m से प्रोडक्ट डिवाइड किया, दिस इज एज इट इज. नाउ हियर x इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड रेशियो, अब मैंने क्या बाहर निकाला, m e अपॉन में m मैंने बाहर निकाल लिया, तो दैट इज स्मॉल m e इनटू अपॉन में कैपिटल m बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, that m upon में k एक साथ लिख लिया मैंने m upon में k into omega square as it is, ठीक है. Now here look under root k by m is natural frequency, that is omega n, और omega n का square is k by m, यहां पर m by k है तो reverse में आएगा, that is 1 upon में omega n square, तो नीचे आ गया omega n square, ऊपर रह गया omega square, here m by k is 1 upon में omega n square. Now अब omega upon में omega n is r, तो r square here m e upon में capital m into amplitude ratio, ये वाली term मेरे पास पहुंच गई. Now here x equals to capital x sin omega t minus y, अब मेरा जो capital x will be amplitude ratio into m e upon में capital m into r square बन गया, ठीक है. और एम्पलीट्यूड रेशियो की स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपसे बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ एफ नॉट बाय, सॉरी जब एफ नॉट साइन ओमेगा टी का फोर्स लगेगा तभी मिलेगी, दैट इज 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर. सो एम्पलीट्यूड रेशियो की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा. इसको जब इम्पोज किया इसमें और ये वाला देखो, इधर ये एम को ले गया यहां पर, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, कैपिटल एम एक्स
small me, that is equals to r square into amplitude ratio under root 1 minus r square ka whole square plus 2 zeta r ka whole square. That is in case of wrist rotating unbalancing. ये इस टाइप में मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये जो पूरी forced vibration में ये जो denominator है ये as it is ही रहेगा under root 1 minus r square ka whole square plus 2 zeta r ka whole square. ये denominator same ही रहेगा. और अब जो पहले था मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो 1/1 में ये आ रहा था x अपॉन में x स्टैटिक इक्वल्स टू 1/1 में दिस इन रोटेटिंग एंड बैलेंसिंग इट इज r स्क्वायर अपॉन में दिस और हियर दैट इज कैपिटल m अपॉन में स्मॉल m ही एडिशनल आ गया. तो फॉर्मूले जब हम याद करेंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक दूसरे से कोरिलेट करना. ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट रोटेटिंग अनबैलेंसिंग के केस में जो एम्पलीट्यूड निकलेगा वो इस फॉर्मूले से. ठीक है सो हियर वन मोर थिंग इतना तामझाम मुझे नहीं करना है. ये सिर्फ डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था. मुझे पता है कि जब भी कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट या रोटेटिंग मास होगा और वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड नहीं करेगा तो वहां पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मैं सेंट्रिसिटी बोल रहा हूं सेंट्रिसिटी मिलेगी. और अगर ऐसी कोई भी कंडीशन जब सेंटर ऑफ एक्सिस और मास और सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं ऐसी केसेस में मुझे एक एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा जो कि आउटवर्ड एक्ट करेगा. तो हियर इन दैट केस हियर ई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर. हियर आर इज रेडियस ऑफ रोटेशन तो रेडियस ऑफ रोटेशन इज ई एम ई ओमेगा स्क्वायर. सो एक एम ई ओमेगा स्क्वायर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा एक्ट करेगा रोटेटिंग के केस में क्योंकि रोटरी सिस्टम प्रैक्टिकली कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता. देयर इज सम अनबैलेंस इज देयर तो अनबैलेंस है दैट इज एसेंट्रिसिटी है तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा दैट इज एम ई ओमेगा स्क्वायर. अब इसके दो कंपोनेंट द फर्स्ट वन इज एंगल के साथ वाला तो एंगल के साथ वाला इज एम ई ओमेगा स्क्वायर cos omega t and angle के opposite वाला that is m e omega square sin omega t. बहुत अच्छे सिर्फ एक direction में move कर सकता है degree of freedom वन मानी that is vertical direction और ऊपर की तरफ force कौन सा हो रहा है that is f not sin omega t या f not is m e omega square. ताम जहां भी खत्म हो गया ऊपर लग रहा है m e omega square sin omega t डाउनवर्ड जैसे ऊपर के डाउनवर्ड एम एक्स डबल डॉट क्योंकि जो इनर्शिया फोर्स होता है पूरे मास के साथ ले रहा हूं दैट इज एम एक्स डबल डॉट. और ये कैपिटल एम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी पूरे मास से रिलेटेड होती है दैट इज अंडर रूट के बाय एम हियर. इसीलिए इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में यहां पर मैं ओमेगा एन ला रहा हूं स्मॉल एम अकाउंट में के नहीं होगा इस केस में. इसीलिए हम अब तक स्मॉल एम लेकर चल रहे थे. कुछ बच्चों ने पूछा भी था क्यों ले रहे थे क्योंकि कैपिटल एम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोर्स्ड वाइब्रेशन. ठीक है कैपिटल एम से हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ऊपर चल रहा है एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और नीचे सारे फोर्सेस. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी दैट इज एम एक्स डॉट डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. तो रोटेटिंग अनबैलेंस के केस में जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आएगा दैट इज एम एक्स अपॉन में एम ई इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा का. बस रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग में क्योंकि आपको पता है कि रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस तो प्रैक्टिकली क्या थ्योरेटिकली भी बैलेंस नहीं होती है. इफ इट इज नॉट थ्योरेटिकली बैलेंस देन हमेशा यहां पर एक अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट रहेगा एंड दैट अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू होगी आपकी एम आर सी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा. ठीक है जब हम अनबैलेंसिंग पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग तब हमें पता चलेगा कि एक अनबैलेंस फोर्स हमेशा वहां पर प्रेजेंट होता है दैट इज एम आर सी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाय एन. एन इज योर लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू क्रैंक जिसकी वैल्यू 5 होती है. तो पहला सेकेंडरी अनबैलेंसिंग हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स लेते हैं तो इतना हमें नहीं जाना है वो आप अनबैलेंसिंग में पढ़ लेंगे. रेसिप्रोकेशन के केस में एम आर सी ओमेगा स्क्वायर आ जाता है जो मैंने फर्स्ट क्लास में भी समझा दिया है. फॉर्मूला इज सेम सिर्फ ई की जगह आर सी. एक और स्ट्रोक पूछता है यहां पर दैट इज इक्वल टू
In case of reciprocation and balancing, it is mx upon mrc, r square upon under root 1 minus r square the whole square plus 2 delta r ka whole square. Stroke will be equals to l equals to 2rc. यानी क्रैंक रेडियस का डबल होता है. स्ट्रोक कभी कभी डायरेक्ट होती है. इस टाइप का पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है. हियर दिस इज k/2 k/2 अगेन द सेम अरेंजमेंट सी. और ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन है. वर्टिकल बनाया इट मे बी हॉरिजॉन्टल. तो रेसिप्रोकेटरी और रोटरी में चेंजेस क्या आ रहा है? अगर कहीं पर इंजन की बात चल रही है या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात चल रही है तो हमें mx / mrc कैपिटल M वही रहेगा. टोटल मास ऑफ द सिस्टम M इज द मास ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट एंड रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट और R इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो जीटा इज डैम्पिंग फैक्टर. तो यहां पर जो आप प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग की तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करवा लेंगे दैट इज ऑफ यूनिट नंबर 1. सेकेंड थिंग आपसे डैम्पिंग फैक्टर फाइंड आउट करवा देंगे दैट इज ऑफ यूनिट नंबर 2. तो डैम्पिंग फैक्टर और नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो आपको कैलकुलेट करनी ही है क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर आर. ओमेगा दे दिया तो ओमेगा एन कहां से निकालोगे एंड जीटा इज रिक्वायर्ड फॉर दैट फॉर्मूला. तो मुझे आर निकालने के लिए ओमेगा एन निकालना है और फाइनल स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड के लिए जीटा निकालना. तो यूनिट नंबर 1 एंड 2 बोथ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पर करने हैं. उसके बाद मुझे स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड निकालेंगे वो अपन न्यूमेरिकल में देखेंगे. थैंक यू.